दोस्तों YouTube के तरफ से जब भी कोई ईमेल आपके पास आता है तो आप लोग डर जाते हो, खास करके जो नए यूट्यूबर होते हैं, जो बिगिनर होते हैं, YouTube का ईमेल देखते ही उनको डर लगता है कि भाई ये क्या आफत आ चुका है अपडेट। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका भाई यहाँ पर बैठा हुआ है YouTube के तमाम अपडेट के बारे में बताने के लिए। कोई भी ईमेल आता है आपके पास या फिर कोई भी अपडेट आता है तो उसके बारे में हम आपको टाइम टू टाइम बताते हैं। तो अभी हाल ही में 2 दिन पहले आपके पास कुछ इस तरीके का ईमेल जो है वो आया होगा, रिसीव हुआ होगा। तो ये आखिरकार ईमेल है क्या, जहां पर लिखा है अपकमिंग एड कंट्रोल चेंजेस के बारे में कुछ बताया गया है। तो बेसिकली ये अपडेट क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी एकदम आसान भाषा में आपको देने वाले हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप लोगों ने अभी तक काफ़ी सारे वीडियोस देख लिए होंगे इस अपडेट के बारे में, लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों सीधे आते हैं टॉपिक पे। तो दरअसल यहाँ पर ये जो अपडेट है ये ऐड कंट्रोल को लेके है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्री रोल ऐड का जो अपडेट आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ऐड के कैटेगरी कौन कौन से, सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है। तो दोस्तों यहाँ पर एक होता है प्री रोल ऐड, दूसरा पोस्ट रोल ऐड और तीसरा मिड रोल ऐड। तो अब ये तीनों ऐड क्या है, तो जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोस को प्ले करते हो तो स्टार्टिंग में एक ऐड चलता है तो उसे प्री रोल ऐड कहा जाता है। उसके बाद वीडियो ख़त्म होने के बाद एक ऐड चलेगा, आप इस वीडियो को ख़त्म होने देना, लास्ट तक देखते रहना और लास्ट में एक ऐड चलेगी तो उसे कहते हैं पोस्ट रोल ऐड। और मिड रोल ऐड क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पर जब वीडियो आपका 8 मिनट से ज़्यादा या फिर 8 मिनट तक का कम से कम वीडियो होगा तो उसमें YouTube हमें क्या है कि परमिशन देता है कि आप वीडियो के बीच बीच में भी 4-5 ऐड खुद से लगा सकते हो। ये आपके पास ऑथोरिटी होता है कि आप अपने वीडियो के अंदर 4-5 ऐड बीच में लगा सकते हो अगर आपका वीडियो 8 मिनट से ज़्यादा का है। तो यहाँ पर मिड रोल ऐड के थ्रू आप ऐसा काम करते हो कि 4-5 ऐड अपने वीडियोज़ के अंदर लगाते हो। तो अब यहाँ पर ये चेंजेस किया गया है जो कि नवंबर से यहाँ पर सभी चैनल्स के ऊपर एक्टिव हो जाएंगे ये नए नियम। तो अब ये नियम क्या है और नियम में बदलाव क्या किया गया है तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो मिड रोल ऐड है ना, उसका कंट्रोल आपके पास होता था कि आप अपने मर्जी से जहाँ जहाँ चाहो वीडियो के अंदर ऐड लगा सकते हो, लेकिन अब नवंबर के बाद क्या होगा कि सभी क्रिएटर के पास ये जो अथॉरिटी है, ये जो कंट्रोल ऐड कंट्रोल है मिड रोल ऐड का, उससे छीन लिया जाएगा और यहाँ पर जो कंट्रोल है वो YouTube अपने पास रखेगा। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपका जो अर्निंग है उसमें 30% का इजाफा होगा। जी हाँ, 30% का इजाफा होगा। अब कैसे होगा, तो YouTube ने साफ साफ बताया है कि जो कंट्रोल आपके पास था तो आप वैसे ही कहीं कहीं पे ऐड लगा देते थे। तो यहाँ पर मैं रिसर्च करूँगा आपकी वीडियो को देखने के बाद, उसके बाद मैं अपने हिसाब से जब ऐड लगाऊंगा कि कहाँ कहाँ पर ऐड होना चाहिए जिससे आपका बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा हो, तो यहाँ पर YouTube जो है खुद से ऐड लगाएगा आपके वीडियो को एनालाइज करके ताकि आपका अर्निंग बढ़ने में काफ़ी मदद हो। तो यहाँ पर इस अपडेट के बाद यहाँ पर ये गुड न्यूज़ है, कोई बैड न्यूज़ का अपडेट नहीं है जो ईमेल आया है। तो यहाँ पर इसके बाद आपके अर्निंग पे 30% का बढ़ोतरी होगा, 30% तक जो आपका YouTube अर्निंग है वो बढ़ जाएगा क्योंकि YouTube कंट्रोल अपने पास रखेगा और पूरा एकदम एनालाइज करने के बाद यहाँ पर ऐड का प्लेसमेंट करेगा आपके वीडियो के अंदर। तो ये दोस्तों बहुत बढ़िया अपडेट लाया गया है YouTube की तरफ से। तो ये छोटा सा अपडेट था जिसके बारे में मैंने आपको अच्छे से उम्मीद करता हूँ कि समझाया होगा और आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली ये अपडेट है क्या। तो विड रोल ऐड को लेके ये अपडेट है जहाँ पर YouTube जो कंट्रोल पहले यूजर्स के पास दिया करता था, लेकिन अब नवंबर महीने से कंट्रोल YouTube अपने पास रखेगा मिड रोल ऐड का और YouTube ऑटोमेटिक यहाँ पर आपके वीडियोज़ के अंदर बीच बीच में ऐड पुट कर देगा जिससे आपका जो अर्निंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। तो वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये अपडेट प्लस ये वीडियो कैसा लगा।